किसान संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में डाक पत्थर में अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक यूजे वीएनएल विभाग द्वारा डाक पत्थर से लेकर कुल्हाल तक 15 फीट ऊंची जालियां नहीं लगाई जाती हैं, तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि शक्ति नहर मौत का अड्डा बना हुआ है और यदि विभाग शीघ्र ही दोनों ओर जालियों का निर्माण नहीं कराता है तो किसान संयुक्त मोर्चा का धरना जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार विभाग के उच्च अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसे देखते हुए किसान संयुक्त मोर्चा को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। विकास नगर से संवाददाता महेश रावत की रिपोर्ट। देखिए, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। पहले तो हम लोग सारा राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा मोर्चा है वो दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डरों पर किस तरीके से सरकार की पज्जियत हो रही है। अब ये मोर्चा जो विकास नगर उत्तराखंड में लगा हुआ है, ये एक ऐसा मोर्चा है जहाँ पर एक मौत का अड्डा बना हुआ है पिछले कई वर्षों से, और कई सौ लोगों ने वहाँ पर जो आत्महत्या कर दी है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ के प्रशासन का, बहुत छोटी मांग है और बहुत एक साधारण मांग है कि जिससे लोगों की जीवन बचाए जा सकते हैं। डाक पत्थर से लेकर कुलाल तक अगर रेलिंग होती तो उसका जनता का तो फायदा है, क्योंकि खुदकुशियां करने के लिए लोग जाएंगे नहीं, लेकिन इससे विभाग का भी फायदा है, पुलिस प्रशासन का भी फायदा है। विभाग का फायदा ये है कि कभी भी कोई कूदता है उसकी डेड बॉडी अगर नीचे चले जाती है तो इसके लिए तीनों परियोजना के काम ठप करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ से पानी रोकना पड़ता है। उससे कम से कम 7 से 8 या 10 दिन भी लग जाते हैं, परियोजना तीनों बंद हो जाती है। पुलिस प्रशासन को इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यदि यहाँ पर रेलिंग लग जाती है तो ये दोनों के जो है जो नुकसान है, तीनों का, पुलिस प्रशासन का, विभाग का और जनता का, इसको बचाया जा सकता है। पिछले कई वर्षों से हमारा संवैधानिक मंच के द्वारा प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि जितनी भी परियोजना देश में है उसके अध्यक्ष हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको हमने ज्ञापन प्रेषित किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है, और यहाँ तक कि जो निदेशक हैं इनके देहरादून में बैठते हैं उनको तो कम से कम 100 बार हम मिल चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। ये तो मजबूरी में फैसला लिया गया है जो हमने यहाँ पर मोर्चा लगाया हुआ है। ये मोर्चे के पीछे जो है हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, मैंने उनसे बाकायदा सलाह ली है कि वहाँ पर रोज आत्महत्या करने के लिए आते हैं। अभी हाल ही में एक 3 बच्चों के, मासूम बच्चों को किस तरीके से फेंका गया है नदी में, और 12-13 दिन तक उनकी लाशें ढूंढी गई है, तो परियोजना ठप पड़ी मिली। और पुलिस प्रशासन जो है उसमें खोजबीन में लगा रहा, अस्त व्यस्त रही सारी चीज़ें। और हमारी एक मांग थी कि अगर 24 तारीख तक रेलिंग का काम शुरू नहीं होता है तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, लेकिन वही बात मैंने आपसे पहले कहा, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। प्रदेश सरकार के क्षेत्रीय विधायक और यूजी बैन कंपनी के कुछ आला अधिकारी 1 नंबर पुल पर जाते हैं और केवल 4 फुट ऊँचे कुछ पिलर गाड़कर उसमें जो है एक फॉर्मेलिटी करके एक आज रेलिंग लगा।